मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जिसे आप ये कह सकते हैं, रिलेशन बिटवीन यू यू वी एंड एफ। यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, और एफ इसकी फोकल लेंथ। ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए पहले हम कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर के लिए डायग्राम बनाने में स्केल से अगर आप डायग्राम बनाएं तो ज्यादा अच्छा है, स्केल नहीं है तो भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। डायग्राम आपका क्लियर होना चाहिए। बस तीन पॉइंट बना लें, एक पॉइंट ये आपका पोल बन गया, 4 सेंटीमीटर पर ले लें फोकस पॉइंट, और नहीं 4 नहीं, ज्यादा हो गया, यहाँ ये पॉइंट पी, ये फोकस पॉइंट और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जब आप लेंस या मिरर आप ड्रॉ कर रहे हैं, जब आप लेंस या मिरर ड्रॉ कर रहे हैं तो अक्सर आप सब क्या काम करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा और पोल तक ले आ और बना दिया, वो बहुत ज़्यादा कर्वेचर निकल कर आती है। तो आपने एक्चुअली इस कंपास को खोल लेना है काफ़ी सारा, जितना ज़्यादा आप खोल सकें। ज़रूरी नहीं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही, सेंटर से लेकर के आप पोल तक का ही रेडियस लें। रेडियस आप डायग्राम बनाने में इससे बड़ा ले लीजिए, जहाँ तक भी आप बड़े से बड़ा रेडियस ले सकते हैं। और फिर उसके बाद ऐसे बना दीजिए, मैंने दो तीन बार चला दिया, एक ही बार चलना चाहिए पेन, तो आपका ये कर्वेचर बिल्कुल हल्का आएगा, यहाँ घुमा बहुत तकड़ा नहीं आएगा। रेडियस आप बढ़ा देंगे तो तभी आपका डायग्राम सही भी बनेगा। ये आपका मिरर बना, पॉलिश सरफेस और पीछे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट रखना है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका सी पॉइंट है, इसके बियॉन्ड आप कहीं भी रख दीजिए, स्केल की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां मैं ये ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, ये आपने ऑब्जेक्ट रखा, और इस ऑब्जेक्ट का नाम हमेशा ए बी। ए बी इज द रियल ऑब्जेक्ट। लॉस फॉलो फॉलो करा लीजिए। कौन सा लॉ? पहला लॉ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराइए आप मिरर पर बी से, और अब इसका रिफ्लेक्शन कहाँ होना है, थ्रू फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट से इसका रिफ्लेक्शन हो गया। हैंड टू हैंड ये आपने एरो जरूर बनाने हैं, इन एरो के बिना रे डायग्राम है ही नहीं। दूसरा आप लॉ ले सकते हैं, फोकस से भी ले सकते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले सकते हैं, करेक्ट? तो यहां हमें आसानी पड़ती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेने में। इसके लिए थोड़ा सा आपको मिरर का एपर्चर बढ़ाना पड़ेगा, मेरे पास स्पेस कम पड़ गया है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप लाइट लीजिए, और जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ये लाइट रे अपने ही पाथ पर रिट्रेस हो जाती है। ये लाइट यहाँ इंसिडेंट की आपने मिरर पर, ये मिरर है यहाँ तक का, ठीक यहाँ तक ये मिरर आपको बनाना पड़ेगा। अब ये लाइट रे यहीं के यहीं रिट्रेस हो गई, डबल एरो बना लीजिए।
एक लाइट रे आपको और लेनी। अच्छा, जहां दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे मिल गई, ये एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे, दूसरी रिफ्लेक्टेड लाइट रे, जहां ये दोनों आपस में मिल गए, ये आपकी पोजीशन है। किसकी पोजीशन है? ये इमेज की पोजीशन है। बी से लाइट रे आपने चलाई थी, तो जहां मिल गई लाइट रे, ये पॉइंट आपका बी डैश, और प्रिंसिपल एक्सिस पर ए ए डैश। इसे आप यहां ए और यहां बी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ए डैश बी डैश इज द रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। ए डैश बी डैश इज द रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। एक रूल और हमें यहां लेना है, क्योंकि हमें दो फॉर्मूले ड्राइव करने हैं। कौन सा? पॉइंट बी से आप पॉइंट पी पर लाइट रे का इंसिडेंट कराइए। पॉइंट बी से पॉइंट पी पर, पोल पर आपने लाइट रे का इंसिडेंट कराया, थर्ड रे ऑफ लाइट हो गई, तो नेसेसरीली ये लाइट रे भी कहाँ जाकर मिलेगी? बी डैश पर ही मिलना है इसको भी। तो अब ये कहाँ पहुंची लाइट रे? ये लाइट रे पहुंच गई आपकी बी डैश पर। रे डायग्राम आपका कंप्लीट हुआ। एक यहां से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पॉइंट को मैं डी पॉइंट लिख लेता हूं। मिरर पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसे ई लिख लीजिए, ई का शायद रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी कहीं भी। डी पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है डी पॉइंट से कहां? प्रिंसिपल एक्सिस पर। डी पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पर ये आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और जहां इसने प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, जहां पहुंचा, इसका नाम रख दीजिए आप एन या एम। एन रख देते हैं, नॉर्मल नॉर्मल रिप्रेजेंट कर रहा है। डायग्राम आपका कंप्लीट हुआ। मार्किंग कर दीजिए हैंड टू हैंड। पोल्स से लेकर फोकस पॉइंट तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ माइनस एफ, ठीक है? पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस माइनस आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये। पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस माइनस यू, ओ सॉरी, ये इमेज है तो ये माइनस वी। और पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस ये माइनस यू। ये आपका डायग्राम यहाँ कंप्लीट हुआ, सारी मार्किंग हो गई। दो आपको ट्रायंगल कंसीडर करने हैं यहाँ, दो पेयर, एक्चुअली दो पेयर कंसीडर करने हैं। एक ट्रायंगल ये रहा ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। एक ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में यह राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, दूसरा ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। सिमिलर क्यों हैं? क्योंकि ए एंगल ए डैश एंगल 90 डिग्री है, एंगल सी और एंगल सी दोनों में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों ही ट्राइंगल आपके आपस में सिमिलर हुए, ठीक है? कौन कौन से ट्राइंगल? ए डैश बी डैश सी सिमिलर, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी सिमिलर, ओ सॉरी, बी डैश ए डैश सी सिमिलर, बी ए सी ट्राइंगल, बी डैश ए डैश सी सिमिलर ट्राइंगल, बी ए सी किससे? ए ए प्रॉपर्टी से, दो एंगल आपस में इक्वल है तो सिमिलर बन गया। अब सिमिलरिटी बनते ही आपने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी है, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश कौन से? सी के सामने।
तो यहां सी के सामने कौन सी पड़ती है, बी ए, बी डैश ए डैश बाय बी ए इक्वल्स बेस सी ए डैश, और दूसरा बनेगा सी ए, सी ए डैश बाय सी ए, इक्वेशन नंबर वन बनी। इसके बाद एक और पेयर आपको लेना है, कौन सा पेयर लेना है आपने, ये ट्राइंगल बन रहा है बी डैश ए डैश एफ, और इसके अपोजिट ट्राइंगल ये रहा डी एन एफ, डी एन एफ और बी डैश ए डैश एफ। याद रखिएगा पहले वाले ट्राइंगल में सी आता है, दूसरे वाले ट्राइंगल में एफ आता है, तो बी डैश ए डैश एफ सिमिलर डी एन एफ, वही सिमिलैरिटी है, वर्टिकली अपोजिट हो गए, यहां 90 डिग्री और यहां 90 डिग्री। बी डैश ए डैश एफ ट्राइंगल बी डैश ए डैश एफ सिमिलर ट्राइंगल डी एन एफ, ट्राइंगल डी एन एफ ए ए सिमिलैरिटी। कॉरेस्पॉन्डिंग साइज ले लीजिए ए डैश बी डैश डी एन, ए डैश बी डैश बाय डी एन इक्वल्स बेस लीजिए ए डैश एफ, और यहां से बनेगा एन एफ, ए डैश एफ बाय एन एफ। लेकिन अगर आप देखें तो ए बी डी एन, ए बी डी एन दो एंगल इसके 90 डिग्री हैं, और आमने सामने की एक पेयर पैरेलल है, सीधी बात है ये पैरेलल, ये बन गया आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जब ये बना तो डी एन किसके इक्वल बनेगा, बी ए के इक्वल बनेगा, सिंस डी एन इक्वल्स बी ए, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी एन। तो यहां आप डी एन को उठाकर सब्स्टिट्यूट कर दें क्या, बी ए बना ए डैश बी डैश बाय बी ए इक्वल्स ए डैश एफ बाय एन एफ, ये इक्वेशन नंबर टू हो गई। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू आपस में आप कंपेयर करें तो आपको मिलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो फिर राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगी। कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, क्या निकला, इक्वेशन वन से निकला सी ए डैश बाय सी ए, सी ए डैश बाय सी ए इक्वल्स सेकेंड इक्वेशन से आया ए डैश एफ बाय एन एफ। सारी की सारी डेरिवेशंस हमारी उस मिरर या लेंस के लिए हैं जिनका ये कर्वेचर, जिनका ये घुमाव बहुत कम है, प्लस अपर्चर छोटा है, बड़े लेंस साइज में बड़े लेंस या बड़े मिरर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो जब अगर ये मिरर ही इतना सा हो केवल यहां से यहां तक, तो डी पॉइंट मुझे यहां लेना पड़ेगा, और फिर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आप तो एन कहां पहुंच जाएगा, बिल्कुल पोल पी के पास पहुंच जाना है। तो हम क्या लिखेंगे यहां, यहां लिखेंगे फॉर स्मॉल एपर्चर ऑफ मिरर एन इज वेरी क्लोज टू पी, पी के बहुत क्लोज है, तो जहां एन आ रहा है इसकी जगह उठाकर रख दीजिए पी एफ। अब आपके पास तीन मेजरमेंट्स और बची, सी ए डैश, यहां देखें हम सी ए डैश, सारी की सारी मेजरमेंट्स आपको लेनी है पॉइंट पी से, तो सी ए डैश को ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है, इस तरह के पी आ जाए। सी ए डैश कैसे फाइंड करेंगे, पी से सी तक का डिस्टेंस में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए
पी से ए डैश तक का डिस्टेंस। सी ए डैश आपके लिए बना है पी सी माइनस पी ए डैश। तो जहां सी ए डैश है, इस सी ए डैश को आपने लिखा पी सी माइनस पी ए डैश। उसके बाद आता है आपका सी ए, सी ए सी ए ये रहा। मेजरमेंट लेना पी से तो पी जरूर आना चाहिए, तो फिर क्या करेंगे हम, इसे लिखेंगे पी ए माइनस पी सी। तो सी ए को सब्स्टिट्यूट किया पी ए माइनस पी सी, ए डैश एफ बचा। ए डैश एफ ये रहा, ए डैश एफ में से पी जरूर आना है, ए डैश एफ में पी आपको लाना है, तो पी ए डैश माइनस पी एफ, पी ए डैश माइनस पी एफ। अब इसके बाद हर जगह आपका पी आ गया, पी से ही आपको मेजर करना है। पी सी क्या है, पी से लेकर सी तक, पी से लेकर सी तक है रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस आर, माइनस आर। पी ए डैश क्या है, पी से लेकर ए डैश तक ये आपका है माइनस वी, माइनस वी। पी ए, पी से लेकर ए तक क्या है, पी से ए तक डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है माइनस क्यू। पी सी, पी सी फिर से वही की वही है माइनस आर। पी सी आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया माइनस आर इक्वल्स पी ए डैश, पी ए डैश माइनस वी। पी एफ, पी से लेकर एफ तक, पी से लेकर एफ तक फोकल लेंथ माइनस एफ, ये आपका माइनस एफ बना। और पी एफ फिर से माइनस एफ। आर को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं टू एफ, आर इज इक्वल टू टू एफ, माइनस टू एफ प्लस वी माइनस यू प्लस टू एफ इक्वल्स माइनस वी प्लस एफ माइनस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस टू एफ स्क्वायर माइनस वी एफ इक्वल्स प्लस यू वी प्लस टू एफ स्क्वायर। माइनस यू एफ और फिर माइनस टू वी एफ, टू एफ स्क्वायर दोनों है। अब जिस जिस में आपका एफ आ रहा है उसे एक साइड ले लीजिए, माइनस वी एफ अपनी जगह रहा, प्लस यू एफ प्लस टू वी एफ प्लस यू वी। एफ वाली क्वांटिटी सारी आपने एक साइड निकाल ली, एक वी एफ माइनस में है, टू वी एफ प्लस में है, तो वी एफ बचा। यू एफ प्लस वी एफ इक्वल्स यू वी, पूरी इक्वेशन को यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे, तो यहां बचेगा वन अपॉन वी प्लस वन बाय यू इक्वल्स वन बाय एफ। ये आपका बन गया मिरर फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन यू वी एफ। एक इक्वेशन और लानी है मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए, लीनियर मैग्निफिकेशन। इससे पहले समझ लें कि लीनियर मैग्निफिकेशन है क्या। लीनियर मैग्निफिकेशन आपका क्या है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट के साथ ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो है आपका लीनियर मैग्निफिकेशन।
तो यहां हम, ये हमारी क्या है, इमेज, इमेज की हाइट लिखेंगे एच टू, एच टू, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं, और इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट यहां लिखी जाएगी प्लस एच वन, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पर ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन एम, लीनियर मैग्निफिकेशन एम है एक्चुअली एच टू बाय एच वन। अब यहां से हमें इसका भी रेशियो निकाल कर लाना है, तो अब वो ट्राइंगल लेंगे, वो रे लेंगे जो हमने पोल पर इंसिडेंट कराई थी, एक पूरा ट्राइंगल ये वाला, ये पूरा ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, बी ए पी के साथ में बी डैश ए डैश पी, ये ट्राइंगल आपने लेना है, ये ट्राइंगल आपने यहां कंसिडर करना है, और इसमें भी आपका वही रिलेशन है, एंगल ए इक्वल्स एंगल ए डैश 90 डिग्री, और ये वाला एंगल पी कौन सा, बी पी ए इज इक्वल्स टू एंगल बी डैश पी ए डैश, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपके लिए ट्राइंगल बना बी ए डैश पी सिमिलर बी ए पी, ट्राइंगल बी डैश ए डैश पी सिमिलर ट्राइंगल बी ए पी, ए ए सिमिलैरिटी, रेशियो ले लीजिए ए डैश बी डैश के साथ रेशियो बनेगा ए बी का, बी डैश ए डैश बाय बी ए इक्वल्स बेस इसका पी से लेकर ए डैश तक, पी ए डैश यहां बेस पी से लेकर ए तक का पी ए, बी डैश ए डैश क्या है, बी डैश ए डैश है माइनस एच टू, माइनस एच टू, बी ए क्या है, बी ए है आपका प्लस एच वन, तो ये बना प्लस एच वन, पी ए डैश पी से ए डैश तक है माइनस वी, और पी से ए तक है माइनस यू, तो ये बना माइनस वी बाय माइनस यू, करेक्ट। और यहां से आपका इक्वेशन बनेगी, क्योंकि आपको निकालना एच टू बाई एच वन, माइनस माइनस नहीं, तो ये खत्म हो गए, और ये बना माइनस वी बाय यू, ये आपका बना एम इक्वल्स एच टू बाई एच वन इक्वल्स माइनस वी बाई यू, लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए इक्वेशन हो गई। कभी कभार आपको कंडीशंस स्पेसिफिक भी दे दी जाती हैं, कभी कभार कोई स्पेसिफिक कंडीशन भी दे दी जाती है। यहां आपने एक जनरल कंडीशन ली है, आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर रखा, इमेज बनी आपकी फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में, रियल इमेज बनी है, रियल इमेज बनी। यहां आपका ऑब्जेक्ट का साइज लार्जर है और इमेज का साइज छोटा है, करेक्ट, वह रियल इमेज है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में लिखा हुआ आ जाए कि फॉर लार्जर इमेज, तो क्या करोगे आप, सिंपल सी बात यह है कि अब आपने ऑब्जेक्ट को यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में यहां यहां कहीं दिखाना है, अब आपकी इमेज पहुंच जाएगी ये ए डैश बी डैश सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, एनलार्ज आ जाएगा। स्पेसिफिकली कंडीशन लिखी हुई आ जाए फॉर वर्चुअल इमेज, तब आप ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में यहां कहीं रख दें, यहां रखें यहां रखें यहां रख दें, कन्वीनियंट रहता है कि आप फोकस के पास पास में रखें। तो अब आपकी जो ये इमेज है ये पीछे बनेगी, यहां सारी डेरिवेशन वही रहनी, सारे ट्राइंगल्स वही के वही लेने, सब कुछ बिल्कुल जो का त्यों रहना है, कुछ भी इसमें अंतर नहीं आता, एकाध जगह कहीं कुछ एंगल आपको चेंज करना पड़ता है, बाकी ये वाली लाइन आपकी ज्यों की त्यों बनी रहेगी,
चाहे आप कोई सी भी इमेज बनाएं, लार्ज बनाएं, वर्चुअल बनाएं या रियल बनाएं, अगर आपके पास एग्जाम में आपको कंडीशंस नहीं दी जाती हैं तो ये डायग्राम मोस्ट कन्वीनियंट डायग्राम है, सबसे आसान है इसे लेना। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर आप ऑब्जेक्ट रखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में बन जाएगा आपका इमेज, सबसे आसान पड़ता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको कोई कंडीशन गिवन है, आपसे इस क्लियरली कह दिया जाए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज, तब आपको वही कंडीशन फुलफिल करते हुए डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके अलावा कोई डायग्राम नहीं ले सकते फिर आप।